खटपरी, इस बार तुम काली के शिकार से बच गए, पर आज नहीं तो कल तुम्हें ढूंढ ही लेगा। हाँ, अगर बालवीर बाल सके और बाल मित्र नहीं होते तो मुझे भी यही चिंता रहती, लेकिन जब तक होती ना तब तक हमारी जीत की उम्मीद कायम। और फिर मैं और पापा भागे वो तो। ये आपने क्या कर दिया भटका थी परी, मतलब मोंटू बॉस, ये क्या किया आपने? अरे हमें इतना मोंटू का बड़ा मंडप लेके चलने की आदत नहीं है ना, इसलिए गलती से हो गया, वो अंदाजा नहीं आया। दिखाई नहीं देता, आगे है ये बटन। नटखट परी, कहीं हमने रूप बदलने के जल्दबाजी में आंखों की यहाँ बटन तो नहीं लगवा लिए? पर आपकी तो आंखें ही है। हाँ, आपकी भी आंखें ही है। गौर से देखो, हमारी आंखें बटन नहीं। मुझे तो लगता है बटन ही है, नहीं पत्थर है। तुझे क्या करना है सलोनी, जाने देना। सॉरी मोंटू जी, हमारी गलती है कि हम आपके बीच में आ गए, अब हम चलते हैं। चल। रुको रुको, देखो गलती हमसे ही हुई है, उसका प्रायश्चित भी हम ही करेंगे, लाओ। अरे मतलब मोंटू बॉस के कहने का मतलब ये है कि गलती हमसे हुई है तो सजा भी हमें ही मिलनी चाहिए ना। तुम्हारे शर्ट और शूज हम दोनों मिलकर साफ कर देंगे, लो दो। नहीं नहीं, इसी कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है, जरूरत है, गलती हम दोनों से हुई है ना, तो साफ भी हम ही करेंगे। जाने देना सलोनी, क्यों इलाज रही इन दोनों से? मुझे पता है जरूर इन दोनों की कोई चाल है, अगर बिना पटा यहाँ से निकलना तो इन्हें शर्ट और शूज तो देने ही पड़ेंगे। मोंटू जी, हम क्लासरूम में से चेंज करके आते हैं। ओके। चल। बाल सखी, हमें बाल परी का लिखा पत्र जल्द से जल्द ढूंढकर बालवीर को देना होगा। हाँ चलो उस पत्र को ढूंढते। बालवीर, पत्र बाल सखी, काली दानव के अंतों पर जल्द से जल्द पढ़ो। काली दानव का अंत एक तिलस्मी खंजर को उसके हृदय में मारने से ही हो सकता है। ये खंजर काली दानव के रहस्यमय लोक में एक बड़ी सी सफेद गुफा के अंदर चट्टान में धसा हुआ है। उस तिलस्मी खंजर तक कोई सच्ची और अच्छी शक्ति ही पहुंच सकती है और उसे चट्टान से बाहर निकाल सकती है। यदि काली दानव को इस तिलस्मी खंजर से मारा जाए तो उसका शिकार बनी सारी सच्ची और अच्छी शक्तियां वापस से जीवित हो जाएंगी, लेकिन यदि काली दानव का अंत बिना तिलस्मी खंजर के किसी और तरीके से हुआ तो उसका शिकार बनी सारी शक्तियों का अंत हो जाएगा। बाल मित्र, इसका मतलब हमें उस काली दानव का अंत सिर्फ उस तिलस्मी खंजर से ही करना होगा, वरना उसका शिकार बनी सारी शक्तियां वापस जीवित नहीं हो पाएगी। और शायद इसीलिए काली दानव सारी शक्ति और अच्छी शक्तियों का शिकार करता था ताकि कोई भी उसे उस तिलस्मी खंजर से ना मार पाए। हाँ, लेकिन उसे नहीं पता था कि बुराई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई और अच्छाई के सामने टिक नहीं पाता। चलो बाल मित्र, हम रहस्यमय लोक जाके
उस खंजर को निकाल के लाते हैं। लेकिन हमें तो बालवीर के पास जाना था। हम बालवीर के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम उस खंजर को ढूंढते ताकि उस खंजर से वो काली दानव का अंत कर सके। लेकिन जल्दी चलो, बालवीर ज्यादा देर तक उस काली दानव का सामना नहीं कर पाएगा। हाँ बालवीर चल। नखटपरी, हमने से असली मोंटू रोहित चलकर आ रहे। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना हमारी पोल खुल जाएगी और शातिरपरी को हमारे यहाँ होने का भी पता चल जाएगा। चलो चलो नखटपरी, वहां चलते। रोहित यार, मुझे कूल ग्रुप को इम्प्रेस करने के लिए ना कोई अच्छी स्टाइल से एंट्री मारनी पड़ेगी, या कोई माइंड ब्लोइंग स्टाइल करना पड़ेगा जिससे वो कूल ग्रुप मुझे उनके ग्रुप में हाथ फैलाकर वेलकम कर ले। ये ले और ये भी ले। हाँ। ठीक है, ये हमें क्यों दिया? मोंटू अच्छे से धोना और सारे डाग निकाल देना। हे पिग्गियो, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम इनके शर्ट और शूज साफ करके दोगे। तुम्हारी तो उड़ूंगा नहीं मैं। अब समझ में आया यार, ये मोटा पिग्गियों को नहीं धोता, उनके कपड़े धोता है। नहीं नहीं दक्ष भाई नहीं, साबुन लगा के दक्ष भाई। Come on boys, follow me. दक्ष भाई सुनो ना, नहीं है। दक्ष भाई सुनो ना। चल, दक्ष भाई। दक्ष भाई। मैंने कहा था ना तुम दोनों को कि जरूर इनकी कोई चाल होगी, अब हमें सब कुछ करना पड़ेगा। चलो लाओ 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 दो अपने कपड़े। नहीं, नहीं, नटखट परी, कहीं इन्होंने भूत तो नहीं देख लिया? वैसे भी तुम्हारी शक्ल तो भूत जैसी है। नटखट परी मतलब मोंटू की। हाँ चलो चलते हैं। हमसे वो खंजर लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। चलो बालमित्र, हम उस सफेद गुफा को ढूंढते हैं। बालमित्र, वो देखो सफेद गुफा। चल। खाई में तो उबलता हुआ लावा है, अब हम उस तिलस्म खंजर तक कैसे पहुंच पाएंगे? बाल मित्र, अच्छाई की छला बुराई की गहरी से गहरी खाई को लांग सकता है।
आखिरी वक्त पर रास्ता खुल गया, वरना तो क्योंकि हम सच्चे और अच्छे हैं ना, इसलिए ये रास्ता अपने आप खुल गया। चलो क्या मेरे अंदर की दूषित हवा समाप्त हो रही है? लगता है मुझे अभी वापस जाना होगा, अपने शरीर में रहस्यमय ताकत भरनी होगी। हमने अब ये स्केलेटन तो क्लास में लटका दिया और ये डोरी भी लटका दी। मोंटू बॉस, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम ये रस्सी पूरा दिन बाहर पकड़ के खड़े क्यों रहेंगे। अरे बेवकूफ, हम बाहर पकड़ के इसको खड़े नहीं रहने वाले। तब बच्चे जब अंदर आएंगे ना, तब हम बाहर से ये रस्सी हिलाएंगे तो स्केलेटन भी हिलेगा और उन्हें लगेगा भूत है और वो डर जाएंगे। और फिर जाके हम उन कुल ग्रुप वालों को बुलाएंगे और ये देख के वो अपने ग्रुप में मुझे इनवाइट कर लेंगे। या तो आपका दिमाग खराब है या तो आप पूरे पागल हो चुके हो। वो कूल ग्रुप आपको उनके ग्रुप का मेंबर कभी नहीं बनाएंगे। बनाएगा? वो कूल ग्रुप मुझे उनके ग्रुप का मेंबर बनाएगा। वो जब ये शरारत देखेंगे ना, तब उनको मुझे उनके ग्रुप का मेंबर बनाना ही पड़ेगा। अब ज्यादा यार चप्पड़ चप्पड़ मत कर, चल चल के काम करते। लगता है पिद्दी लोग आने ही वाले, चल जल्दी बाहर। मनी, आज सर हमें क्या पढ़ाने वाले? तुझे पता है सलोनी, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी तुझे तो उसमें मार्क्स कम आते हैं ना? मार्क्स को बच्चे बुरी तरह से डर गए और देख कहते बेहोश भी होने वाले। चल जल्दी उस स्कूल ग्रुप को बुला कर लाते। नटखट परी, बच्चों को चिल्लाने की आवाज आ रही है, वो देखिए उस कक्षा में से। हाँ, और किसी ने बाहर से कुंडी भी लगा दी है। हाँ चलिए चलकर देखते हैं माजरा क्या है। क्या हुआ, क्या हुआ दोस्तों? अरे दोस्तों, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये तो एक नॉर्मल सा स्केलेटन है। रुको, ये देखो कुछ नहीं है। ये देखो माना, तुम भी मारो। देखा, बोला नकली है ये। देख मारो 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 मारो। तुम डरो मत, हम इसे बाहर रख के आते हैं। डरा दे मेरे दोस्तों को। We'll be right back.
बालवीर को तो इसने नहीं, बालवीर को कुछ नहीं हुआ होगा। चल हम गुफा के अंदर छुप जाते हैं। चलो बालमित्र। अच्छी सच्ची शक्तियों की खुशबू ये तो इसी तरफ से आ रही है। जो इस गुफा के अंदर होगा वो सच में अच्छा होगा। कौन है सामने आओ। बाल सके काली दाना तो गुफा के अंदर घुस गया। अब हम ये गुफा के बाहर कैसे जाएंगे? काश हमने बालवीर की बात मान ली होती और एक खंजर लेने नहीं आए होते। कौन है जो मुझसे छिप रहा है? सामने आओ, सामने आओ। अरे बालवीर तो मेरे हाथों से बच गया लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। कौन है सामने आओ। देखा मैंने कहा था ना बालवीर को कुछ नहीं होगा। बालमित्र मेरी बात ध्यान से सुन, ये जो खंजर है हमें कैसे भी करके बालवीर तक पहुंचाना होगा। हाँ बालवीर की बात ना मानने का खतरनाक नतीजा देख रहा हूँ मैं। बालमित्र बालमित्र हम दोनों का यहाँ से एक साथ बाहर निकलना नामुमकिन, इसलिए सबसे पहले तू अकेला जाएगा इस खंजर को लेकर और ये खंजर बालवीर को देना। तब तक मैं इस काली दानव का ध्यान बटाऊंगा। नहीं तू जा, मैं इस काली दानव का ध्यान बटाऊंगा। मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। देखो बालमित्र ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है। इस खंजर पर सारी परियों की जान टिकी हुई है, इसलिए इस खंजर को बालवीर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। तुम जाओ और बालवीर को यह खंजर दो। तब तक मैं इस काली दानव का ध्यान भटकाती हूँ। लेकिन बाल सखी तुम। अरे बाल मित्र मैं कौन सा रुकने वाली हूँ। देखना तेरे बाद निकल कर भी मैं फर्स्ट ही आऊंगी। सच्ची बाल मित्र जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.